बाहर की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। चार दिन पहले मेरठ के माधवपुरम इलाके में अंधाधुंध फायरिंग करने वाले चार बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। फायरिंग के बाद भीड़ द्वारा दौड़ाए जाने पर बदमाश अपनी कार छोड़कर भाग खड़े हुए थे। जाहिर है कि जब वे माधवपुरम आए थे तो कार में सवार थे, लेकिन आज जब पुलिस ने मीडिया के सामने उनकी परेड कराई तो सभी पैरों में दर्द के कारण भिलक व लड़खड़ा रहे थे। आपको याद होगा कि हाल ही में ब्रह्मपुरी थाना इलाके के माधवपुरम में दहशत कायम करने के लिए कुछ बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी। इसमें खरीदारी कर रही एक युवती गोली लगने से घायल हो गई थी। इस घटना में पकड़े गए चार युवा बदमाश पांव में गोली लगने से घायल हो गए थे। इसके बाद यह दूसरी घटना थी। गिरफ्तार युवा बदमाशों में शाहबाज, जुनैद, सोहेब सभी मोदीनगर व तारापुरी मेरठ का सलमान शामिल है। मीडिया से मुखातिब एसपी सिटी विनीत भटनागर ने आज यह जानकारी दी। देखिए, ये जो घटना बता रहे हैं ये तो कुछ दिन पहले की है, उसके तो पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। ये 15 दिन के भीतर थाना ब्रह्मपुरी पुलिस ने दोबारा एक बड़ा अच्छा गुड वर्क किया। ये तो बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। पहले वाली जो जिसके आप जिक्र कर रहे हैं उसके पास तो हमारे पास में वीडियो फुटेज वगैरह थी, तो उसको हमको मदद मिली थी। ये बिल्कुल ही ब्लाइंड केस था। कुछ बदमाशों ने माधोपुरम में फायरिंग करी थी और उसके बाद में पब्लिक के द्वारा दौड़ाए जाने पर ही भाग निकले थे। ये इनकी गुंडागर्दी का बिल्कुल स्पष्ट नमूना था। पुलिस ने इसमें अथक परिश्रम करते हुए चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से एक पिस्टल, 32 बोर का पिस्टल और 3 तमंचे बरामद हुए हैं। ये सभी मोदी नगर के रहने वाले हैं। इसमें से एक जो है, इन चार में से एक व्यक्ति यहीं जनपद मेरठ का है, बाकी 3 मोदी नगर के हैं। और केवल समाज में भय पैदा करने के लिए और वहाँ पर अपना वर्चस्व कायम करने के लिए इन्होंने घटना करी थी। पुलिस ने तुरंत ही वो गंभीर धाराओं में धारा 307, 336 और 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत ये अभियोग पंजीकृत किया था और चार दिन के भीतर इनको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।